तो और भाई लोग कैसे हो आप सब। तो आप सबका स्वागत है आपके चैनल में। तो मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हो मेरे वीडियोस प्रेजेंट टाइम पे। और ये वीडियोस है पबजी मोबाइल लाइट का, जो कि मैंने आज सुबह ही खेला था और रिकॉर्ड किया था। तो यार इसमें मैं उतरा रोजोक पे। इसका नाम तो मेरे को यार अब पहले तो इसमें रोजोक था पबजी में, बट इसका नाम मेरे को नहीं पता यार। आप लोगों को पता हो यार नीचे लिख देना, क्योंकि यार मेरे को अब इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो मेन पबजी में था, क्योंकि उसमें सारी जगह भी पता थी। और यार इसमें बंदे को मारने के लिए जितनी भी गोलियाँ लगती है उसमें तो उसकी आधी लगती थी यार। पबजी में इसकी 50% एमोस लगती थी। और यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। तो मतलब अपने छोटे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर लो यार। हो सकेगा तो डेली वीडियोज़ ले लूँगा, नहीं तो हफ्ते में एक दो वीडियोज़ ज़रूर आ जाएंगी। तो यार इस वीडियो को बस थोड़ा सा रिस्पांस देना अपना। इधर आया तो यार एक बंदे की फुट स्टेप्स आई और मैं चलो भाई इसको पहले पेल लेते। ये बंदा मतलब कि अभी अभी उतरा है शायद, आई थिंक नया ही ज्वाइन हुआ है अभी भी, तो इसकी वजह से इसको उतना अनुभव नहीं है खेलने का। और ये भाई सामने से फायरिंग होने लगी और मैंने एक को स्पॉट कर लिया, काफ़ी सारे हिट दिए यार। इतना अगर मैं पबजी में दे देता शायद वो नॉक हो जाता, बट कोई नहीं। फिर से मैंने देखने की कोशिश की और फिर मेरे को दिखा नहीं सही सही इधर से। और फिर मेरे को लगा मेरे को किल अपना लेना चाहिए, नहीं वरना मेरा किल भी चला जाएगा। पहला पहला किल नहीं जाने देना चाहिए। और ये बंदा आया, देखो भाई ये बंदा आया और लेफ्ट में चला गया। उसके बाद मैं इसको बहुत ढूंढा, यहीं से देखता रहा, ना फुट स्टेप आई ना कुछ, और ये एकदम गायब हो गया यार भूतिया आज। और मैं ऊपर आया, सोचा कि बंदे दिख जाएंगे, और एक दिखा भाई उधर छत से। हाँ ये रहा, वो स्टेप मेरे को पहले से आ गई थी। और इधर एक बंदा टीपी भी ले रहा है, इसको भी मारते हैं। ओ दो से तीन हिट गई, उससे ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डाउन हो चुकी है। मैंने इसको कंफर्म करने की कोशिश की कि मेरा रिकॉइल जानते नहीं हो, बहुत गंदा है। तो चलो सोच रहा था किल कंफर्म कर लूँ, नहीं हुआ तो मैंने सोचा अब रेस्ट करूँगा। इधर एक बंदा जाते हुए देख लिया, मैंने सोचा कि अब तो मेरा किल गया और मैं गया। मैंने सोचा रेस्ट कर दूँ, क्योंकि और इधर वाले बंदे को भी मैं देख रहा था कहीं निकलना है की तरह, और मेरे को आके रस लिया। मैंने ट्राई किया और मारने का पूरा प्लान था। और भाई देखो यहाँ पर पबजी मोबाइल में एक गड़बड़ी, इस ये सही होना चाहिए। मैं उसको ही हिट कर रहा था लेकिन उसके पड़ी नहीं, और ये बंदा रिवाइव हो गया फिर से नॉक। अगर उस बंदे की अगर गन लोड होती ना तो यहाँ पर तो मेरा तीसरे बंदे की छोटी स्टेप्स आने लगी, इसका टीम मेट आ गया। और यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही थी किधर से आ रहे थे, क्योंकि दो बंदे नॉक पड़े थे और नीचे मेरे को लगा कि कोई जीने पे आ रहा है। हाँ और ये बंदा भाई, ये चीज़ इसको पबजी मोबाइल वालों को, इसको लाइट वालों को इम्प्रूव करनी चाहिए। अगले अपडेट में शायद वो लोग सही कर दें, क्योंकि ये बहुत गंदा ग्लिच होता है। और इसमें यार थोड़ा सा जो मतलब कि एमुलेशन ज़्यादा लग जाता है बंदे को, तो थोड़ा सा कम लग जाता है, क्योंकि यार करीब UMP की तो 20 गोलियाँ तो उसमें लगी जाती है, M4 की भी 15 गोलियाँ आराम से लग जाती। इस बंदे को यार जब मैं मार रहा था तो मेरी हालत ढीली हो। यहाँ पे मेरे को AKM की गोलियाँ चाहिए थी, जो कि मेरे को मिल गई। मैंने सोचा आप करता हूँ। और यहाँ पे मेरे को जब इसने 2 से 3 शॉट मारे और अभी मेरी हालत ढीली हो चुकी है। मेरे को लगा मैं मार ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि फ़ोन भी बहुत गड़बड़ कर रहा था। और उसके बाद इनका एक और बंदा आया हीरा, और मैंने सोचा कि यहीं से मारूंगा हीरो बन के। और ये देखो भाई जी, मतलब कि पता नहीं अलग ही दुनिया में खड़े हुए थे, वो तो सामने देख रहे थे। हो सकता है यार फ़ोन गड़बड़ कर गया हो या कुछ नेटवर्क डिस्कनेक्टेड कर रहा हूँ, हो जाता है यार, सबके साथ होता है, मेरे साथ काफ़ी बार। यहाँ पर भाई थोड़ी लूट थी, फिर मेरे पास लूट के नाम पर घंटा था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, स्कोप की मेरे को ज़रूरत थी। मैं इधर से आया और ऊपर आया तो एक जगह से और फुट स्टेप्स आई,
और इधर मैंने बंदे को स्पॉट कर लिया, लेकिन मैं मार नहीं पाया सही से। और ये M16A4, इसका तो रिकॉइल भाई, सिंगल मोड पे स्नाइपर से भी मेरे को ये बेस्ट लगती है, क्योंकि इसका कट कट कट, और जब भाई इसमें सप्रेसर लगा लूँ ना तो एकदम अलग ही अनुभव मिलता है इसमें। भाई नहीं मार पाया, वो बच गया, पता नहीं कैसे बच गया। और इधर एक बंदा आया, एक नीचे है शायद, एक मेरे को नीचे से भी फुट स्टेप आ रही है, और उसको मार दिया मैंने। अबे मेरे को खुद ही नहीं पता चला कि मैंने उसे मार दिया। कोई नहीं, नीचे से ही बंदा है, कहीं से फुट स्टेप्स आ रही मेरे को, कहीं तो है कोई। ओ नहीं, एक और है, ये तो दूसरा था। हाँ ये वाला है, ये वाला, यही तो मैं सोच रहा था कि ये वहाँ से क्यों मैं मार रहा हूँ। और इसके बाद एक और फुट स्टेप्स आ रही मेरे को, कहीं है आसपास बंदा। आस पास आस पास, ये रहा, ये ऊपर बहुत था यार, मैंने दो एक एक हिट शायद हुआ है बस, इसको सोचा कंफर्म कर दूं, नहीं हुआ सही। चलो कोई, फिर मैंने इसको मारने की सोची, और उधर वाला मैंने कंफर्म किया, इसको उठाया, और ये यूएमपी का गजब कर मैंने स्प्रे मारा, एक भी बुलेट हिट नहीं हुई। चलो कोई नहीं, M16A4 है अपनी, जिसका रिकॉयल मैं कभी कंट्रोल नहीं कर पाता, ब्रस्ट पे चलती है यार, वरना तो ये बहुत खतरनाक है। और इसको आराम से पेल देते हैं, नॉक हुआ है मैं, क्योंकि यार पबजी मोबाइल लाइफ में इतना वो नहीं रहता है, मतलब नॉक कर दो तो अब किल कंफर्म करना ही है। पबजी मोबाइल में तो फटाक से मारो, दो तीन गोलियां और मार दो, ख़त्म। और इसमें यार उसके बाद भी तुम्हारी फालतू में गोलियां वेस्ट होती हैं, नहीं मारोगे किल चोरी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको मार दिया, और 9 किल हो चुके थे अभी। तो मैं सामने जा रहा था, सामने से फायरिंग हुई, तो मैं उधर ही बढ़ पड़ा, टन 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 चलाया, और ये हाँ इसको देखा, दो बॉट्स इधर लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा लो हाथ पाँव साफ कर लिया जाए, फ़ायदा उठाया जाए, वैसे भी बॉट हैं। और इधर मैंने इसको नॉक कर दिया, आराम से पेल लिया। M4 होती है तो यार कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उधर मैंने, आप लोग पूछोगे M4 कहाँ से, यार पीछे जो बंदों को मारा था उनसे लूटता था, तो उधर से मेरे को M4 मिल गया, तो M4 मैंने उठा। और इस बंदे को देखा, आराम से नॉक कर दिया, बस मैंने एक गलती कर दी, इसको कंफर्म नहीं किया। चलो कोई नहीं, इधर एक बंदा दिखा जो कि प्रोन हो गया, ठीक कर दिया, नॉक कर दिया। अभी इसको कंफर्म करने की बारी थी, मैंने इसको मार दिया पूरा पेलने के बाद, इसके बाद लूटा। और लूटने आया तो भाई ये भाई साहब पता नहीं बॉट थे कौन थे, आराम से मारे गए। चलो मैंने इनको भी फिर क्या बताएं पहुंचा दिया, वो बच गए, थोड़ा सा बचा, कोई नहीं। तो यार अगर आप अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और इधर से देखो भाई, किल चोरी हो गया, मैंने पहले ही बोला था अगर मैं उसे कंफर्म कर लेता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। और इन भाई साहब को भी मारना है, तो ये भाई साहब हमारे लिए बहुत बड़े खतरेलू साबित हो सकते थे, लेकिन भाई मार दिया भाई ने, आराम से पेल दिया इनको। उसके बाद पता नहीं एक बंदा कोई नीचे था, हाँ नीचे था, नीचे से फुट स्टेप्स आई और मैं नीचे ही घुस गया। मैंने उसकी फुट स्टेप से पता लगा दिया था कि ये कितना बड़ा प्रो है, मतलब कि कितना बड़ा नूब है, क्योंकि यार जो बॉट्स होते हैं उनके जो चलने की स्पीड होती है काफ़ी डिम होती है, वो घिसे घिसे के चलते हैं तो पता चल जाता है। उसके बाद मैं इधर आया, इधर आने के बाद कोई सामने से फायरिंग कर रहा था, मतलब कि थोड़ा सा ड्रॉप के पास से, इसी ने दो तीन फायर मारे, और मैं इधर ही यार TPP लेने लगा कि वो है किधर। और वो बंदा तस्से मस्त हो रहा था, ये देखो नेट पे नेट फेंके जा रहा था, देखता हूँ किधर है, अभी साले को बेलता हूँ। और यहाँ पर काफ़ी देर में हम लोग जुटे रहे यहीं पे, वो मेरे को बंदा दिखा, 2 से 3 हिट, 2 हिट दिए, कुछ खासा डैमेज भी नहीं होगा। और वो बंदा, उसके पास स्कोप है, कंफर्म उसके पास स्कोप है, क्योंकि
अगर नहीं भी होगा तो वो आराम से मार लेगा, क्योंकि मैं खिड़की के अंदर हूँ, तो उसके अंदर उसको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, खिड़की के अंदर आराम से। मैं सोच रहा था यहाँ से यार मार लूँगा, लेकिन मेरा यहाँ से स्कोप खुल तो रहा था, बट सही से बन गया। मैंने उसको 2 से 3 बहुत सारे हिट दिए, लेकिन लास्ट समय पे भाई उसकी किस्मत देखो यार, एमओ ही ख़त्म हो गई। आई थिंक वो 2 से 3 एमुलेशन में ख़त्म हो गया था। तो मैंने क्या डिसाइड किया, यहाँ से निकलो, और मेरे को गाड़ी दिखी, और यहाँ पे मैंने अपनी 380 की स्पीड से, 360 होता है ना, और गाड़ी में देखो भाई फ्यूल नहीं है, कितनी अच्छी किस्मत है, पहले वो बंदा नहीं मरा, फिर गाड़ी में फ्यूल नहीं है। मैं इधर आया, थोड़ा बहुत हीलिंग वीलिंग की, अगर हीलिंग नहीं करता तो कन्फर्म आई आउट हो जाता। फटाक से हीलिंग की और फिर से 380 की स्पीड से मैं भागता हुआ चला गया, और यहाँ पर किसी ने ओम चलाई, और भाई मैं डर गया, मेरे को ओम चाहिए थी, इसलिए मैं उसकी तरफ गया, मैं यहाँ पे प्रोन हो गया कि मेरे को हीलिंग करनी थी। मैंने इधर बंदे देखे और तुरंत कैंसिल कर दिया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वरना मैं गेम आराम से जी सकता था। और मैंने एक को हिट करना देखा तो दूसरा मेरे को दिखा, और उसके बाद भाई गेम ख़त्म, गेम ख़त्म हो गया यार। तो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं।